दरोगा के तालिबानी फरमान के बाद बेबस बालक की फसल काटने से डर रहे ग्रामीण। जिले के फतेहगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सूडा में एक 12 वर्षीय बालक अपने पिता और दादा दादी के गैर मौजूदगी में फसल को कटवाने यहां से वहां लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा है, लेकिन गांव के लोग और फसल काटने के काम में जुड़े लोग इस बेबस बालक की चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे। दरअसल जिसके पीछे फतेहगढ़ थाने में पदस्थ एक दरोगा की धमकी है, यदि किसी ने इस परिवार की फसल काटने में मदद की तो यह दुस्साहस करने वाला व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा। दरोगा की धमकी बाद गाँव में या गाँव के बाहर का कोई भी व्यक्ति इस लाचार बालक और उसके परिवार की मदद को आगे नहीं आ रहा। अब यह बेबस परिवार अपनी फसल को बर्बाद होते देख रहा है। दरअसल मामले के अनुसार फतेहगढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम सूडा में हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के तान सिंह एवं उसके बूढ़े पिता को आरोपी बनाया था, जिसके बाद से यह फरार है। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए परिजनों को बुरी तरह प्रताड़ित कर रही है। इस किसान परिवार में 2 महिला और नाबालिग बच्चा बचा है जो अपनी खेती कर जीवन यापन कर रहा है। जैसे तैसे फसल तैयार तो हो गई, लेकिन उसे काटने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। फतेहगढ़ थाने में पदस्थ एक दरोगा ने गांव में सार्वजनिक रूप से धमकी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस परिवार की फसल कटाई में मदद करता है तो वह जेल के पीछे जाएगा। इस धमकी के बाद कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। वहीं इस बारे में नाबालिग मान सिंह का कहना है कि उसके पापा और दादा को जबरन फंसाया जा रहा है। उनको पेश करो, हम कहां जाएं, भैया की जात है पेश करने को, हमें कोई मिलने पता ही नहीं है। 4 महीना हो गया, झूठे बेसी से नाम दे दिया, हमें कोई पता नहीं है। और हमें दरोगा जी परेशान कर दिया, यूँ कह दिया तुमको गाँव काटेगा तो लेडीज पुलिस को पकड़ा देंगे और तुम्हारी पूरी फैदा भेज देंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। जो छोटा सा बच्चा तो गांव वाले राम प्रसाद ने पिटाई करी और एक बड़ा बच्चा की दरोगा जी ले गया, दरोगा जी ने पिटाई करी, 2 दिन में छोड़ कर भगाया। और फिर उसका छोटा जिसका मुकेश का मार पीट करी। मेरा दादाजी और पापा जी तान सिंह है, मेरे दादी मम्मी कुछ काफ़ी आदमी परेशान है, हम मेरा भाई मैं परेशान है, हमारा गेहूँ नहीं काटने दे रहे। बड़ा दुर्गा जी 8 बीघे के गेहूँ है जिसको काटने दे रहे। मजदूरों से भी यूँ कहते हैं तुम्हारे को गिरफ्तार किया जाएगा, जो मजदूर डरने के लिए नहीं आता है और हार्वेस्टर आती तो उससे कहता है गिरफ्तार किया जाएगा। और हमारे गेहूँ कर चुके हैं, अब घर में बैठे हैं, कोई हेल्प करो हमारी। पर हमारी पढ़ाई छूट रही है इस वजह से खेती के लिए, हम हमारी पढ़ाई बंद होगी, हम जाते थे पार्टी पढ़ने, पढ़ाई बंद होगी हमारी, गेहूँ के वजह से पानी फेरते थे, हमने इसमें तो मेहनत करी कि हमारी पढ़ाई भी बंद होगी और हमने मेहनत करी जेबीगी, कुछ हेल्प करो हमारी। राम बाबू शर्मा हमारा गेहूँ नहीं काटने दे रहा है, अब राम बाबू शर्मा हमारा गेहूँ नहीं काटने दे रहा है, फतेहगढ़ थाना क्षेत्र से बोल रहा है। और कुछ काफ़ी लोग हम परेशान हैं, मेरी दादी मम्मी और मेरे छोटे छोटे भाई 3, मेरी 12 साल उम्र है और मेरा दादा और पापा फरार है, उसका पता नहीं है, मुलजिम बना दिया है राम बाबू शर्मा ने, बना मतलब सही गिरफ्तार बना दिया। और यूँ कहता है मशीन हार्वेस्टर आएगी ना गेहूँ में तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और कोई आदमी साथ देगा तुमको, हेल्प करेगा तुम्हारी तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मजदूरों से भी यूँ कहता है राम बाबू शर्मा, अगर मजदूर भी फटकेगा आप तो मजदूरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जो मजदूर डर के मारे काटने गेहूँ नहीं आते, हमारा गांव सूखने बैठे हैं, खरबे बैठे हैं, 8 बीघे गेहूँ है और काटने देते